सभी मित्रों को नमस्कार। तारा इंटर कॉलेज तामनौली के संस्थापक श्री श्री 1008 अघोरी नाथ जी की तपस्या भूमि और कर्म भूमि पूर्वी भेरंगपट्टी न्याय पंचायत पोखरी के तामनौली इंटर कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उस ज्ञान रूपी सूरज को बारंबार प्रणाम, जिसके ज्ञान रूपी तप से इस पवित्र भूमि में अशिक्षा के अंधकार को समाप्त करके एक नए उजाले के युग का आरंभ संभव हो सका। ये सामने है भृगुतुंग पर्वत, भृगुतुंग पर्वत है। स्थानीय लोग इसको धारियों कहते हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं? ताम्रनौली, तामनौली, तामनौली जा रहे हैं। वो सामने है, देखिए गाड़ी में हम सामान वामान रख दिया है, बैठने की तैयारी। और ये गाँव से ऊपर स्टेशन है छोटा सा, पोखरी हटकेश्वर का स्टेशन है। ये हटकेश्वर का स्टेशन है, देखिए चौधारा, इसको चौधारा कहा जाता है, चौधारा। तो ये भी किसी की चीज़ से प्रेरित नाम होगा। अब हम जा रहे हैं सामने ताम्रनौली, वहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। बता रहे हैं यहाँ के लोग, ताम्रनौली के बिना इस पोखरी, इस इलाके का अस्तित्व शून्य है। वो क्यों शून्य है, वो मैं वहाँ जाके आपको इसकी जानकारी विस्तृत दूंगा। देखिए दिन का करीब 12 बजे है, और नाश्ता वास्ता करके नहा धो के हम लोग हटकेश्वर महादेव के दर्शन करके सड़क में आ चुके हैं। तो उसके बारे में, उसका जो मेन आधार है वो तामनौली इंटर कॉलेज है, जो यहाँ के बाबा जी ने बनाया था। अब हम जा रहे हैं तामनौली। ये है तर्पणनौली, जिनका बाद में अभ्रंश हो गए, ये तामनौली के रूप में जाना गया। उच्चारण, हाँ, उच्चारण अशुद्धि। इसमें क्या था, जो अभी आपने भृगु पर्वत दिखाया ना, उसमें भृगु ऋषि रहते थे। तो जब वो सुबह का स्नान करते थे भार्गवी नदी, नीचे यहाँ से करीब 2 किलोमीटर नीचे पे एक अभी गधेरा है, वो उसको भार्गवी नदी करके मानस खंड में उसका वर्णन है। तो भृगु ऋषि वहां से आते थे स्नान करने के बाद, वापसी में वो तामनौली इस नौले पे अपने पूर्वजों का तर्पण करते थे। और यहाँ से भी वो ऊपर अपने भृगुतुंग चले जाते थे। हाँ, ये करी करी ये 200 साल तक मिट्टी के अंदर दफन रहा है नौला। हाँ, तो ये आपके सामने पे बिल्डिंग दिख रही है, अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो ये पत्थर निकले ना, ये इसी नौले के पत्थर है ये। क्योंकि लोगों को पता नहीं था, यहाँ पे पत्थर तोड़ने लगे तो अच्छे अच्छे पत्थर आने लगे, तो वो चुनाई में चिंते रहे। और इधर एक आगे एक मंदिर भी बना हुआ है, तो यहाँ से जो बढ़िया पत्थर थे उसमें भी लगे, उसमें देवी का। ये सन 90 के दशक की बात है, 90-91 की बात। हम लोग तब हाई स्कूल में पढ़ते थे यहाँ पे। तो जब बाद में यहाँ देखा तो कुछ कटिंग वाले जब पत्थर आने लगे जिनमें डिजाइन थी, तो जो ठेकेदार थे उन्होंने कहा यार अब इसको डिस्टर्ब मत करो। फिर इसकी उन्होंने सफाई की, खुदाई की, सफाई की, तो ये नौला निकल गया। करीब ये 10 या 12 पार्ट का नौला है। हाँ, तो मानस खंड में इसका जो वर्णन है वो तर्पणनौली के रूप में हुआ है। उच्चारणीय अशुद्धता के कारण तामनौली हो गया। ये इसके बारे में इस तरह की, यहाँ जो बुजुर्ग लोग बताते हैं कि जो कुरमू आपका हमारा लोहाघाट चंपावत वाला क्षेत्र है, वहां की जनता को ये नौला कहीं ना कहीं उनके क्षेत्र में अनिष्ट करने लगा, ऐसा मतलब उनके जो देव डांगरिये थे उन लोगों ने बताया। तो वो रात्रि में आए, इत्तेफाक ये हुआ कि जिस रात्रि में वो लोग आए इसको ध्वस्त करने के लिए, उस दिन बहुत ज्यादा बारिश थी। तो उन्होंने क्या किया, जो पूरी पहाड़ी का जो पानी है, तो जो नाला है वो इसमें डाल दिया, तो ये दफन हो गया। और ये 200 साल तक किसी को पता नहीं था, क्योंकि उस समय ये पूरा जो क्षेत्र था जनशून्य था। जो पानी जाता था वो कहाँ जाता था? वो तो यहाँ से करीब 100 मीटर नीचे निकलता था। हाँ, जो हम लोग जब हमने यहाँ से, यहाँ पे 6 से लेके हाई स्कूल तक की कक्षाएं की यहाँ पे, तो हम जब बचपन में यहाँ पढ़ते थे तो हम लोग यहाँ से 100 मीटर नीचे पे पानी पीते थे। तो आज दिखाते हैं आपको, जब ये नौला निकल गया तो ये पानी इस जगह पे निकल गया, ये क्योंकि नौले की जब सफाई हुई तो इस जगह पे निकल गया ये पानी। क्या बात है, बहुत सौभाग्य है मेरा। आप देख सकते हैं, सभी लोगों को बताना चाहूंगा। और ये सन 67-68 में इस विद्यालय की नींव यहाँ पे बाबा जी ने रखी, अघोरी बाबा जी ने तो रखी। उस समय बाबा जी ने, क्योंकि पैसा तो
यहाँ पे बाबा जी ने जो क्षेत्रीय जो जनता थी उनको साथ लेते हुए इस विद्यालय की पहले परिकल्पना की और उसको फिर साक्षात रूप दिया। तो ये देखिए इतनी लंबी बिल्डिंग है, जनसहयोग से बनी है और इसमें कुछ दो कक्षा कक्षे हैं जो कि लोगों ने उन कक्षा कक्षों के लिए व्यक्तिगत, जैसे श्री चंद्रलाल वर्मा जी हैं हटकेश्वर, उन्होंने एक कक्षा कक्ष उन्होंने अपने पैसे से निर्मित कराया। एक नीचे बिष्ट फैमिली के हैं चंद्र सिंह बिष्ट, तो उन्होंने अपने, वो तो खुद कारीगर थे, मिस्त्री थे, तो उन्होंने अपने जो साथ जो लेबर था उसकी जो दिहाड़ी है खुद दी और उसको यहाँ पे बनाया उन्होंने। देखिए मैं ये इस चीज को एक सरकारों के लिए एक एग्जांपल के रूप में देना चाहूंगा। ये इंटर कॉलेज एक बाबा और एक जनता के जनसहयोग से बनाया गया है। आज के परिवेश में ऐसा उदाहरण आप कहीं नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है सर, जब ये इंटर कॉलेज यहाँ पे बना उसके बाद से सन 60 के दशक से यहाँ पे जितने भी इस क्षेत्रीय जो जनता है, गरीब से गरीब जनता, उसने यहाँ पे इंटरमीडिएट तक की जो शिक्षा है वो निशुल्क ली। और जो बच्चे पढ़ने, जो अच्छे बच्चे थे उनको बाबा जी स्कॉलरशिप भी दिलाते थे। क्या बात है। तो बाद में ये एड में आ गया। अच्छा, एड स्कूल में आ गया। फिर बाद में इसका 90-91 में फिर इसका राजकीयकरण हो गया। राजकीयकरण। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो योगदान है, यहाँ के जो स्थानीय जो टीचर थे, सबसे पहले जयराज सिंह खाती जी, वो इंग्लिश के लेक्चरर थे। हयात सिंह खाती जो LT तक इंग्लिश पढ़ाते थे। दान सिंह डसिला जी और एक बिष्ट जी रहे, धनीलाल वर्मा जी रहे और आपके नयन सिंह खाती जी रहे। तो ये यहाँ के विशिष्ट जो शिक्षक रहे, उन्होंने इसके उन्नयन विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्होंने इस दुर्गम क्षेत्र में करीब करीब 20 से 25 साल तक की सेवाएं दी। 20-25 साल। और वो स्कूल चलने से पहले और स्कूल जाने, छुट्टी होने के बाद भी वो जो बच्चे थोड़ा कमजोर होते थे उनकी यहाँ पे निशुल्क कक्षाएं लिया करते थे। तो ये इसकी वजह से आज हम लोग, हमें बड़ा फक्र है कि हमारा जो पूर्वी भेरंग वो शिक्षा के रूप में बहुत ज्यादा फलीभूत हुआ है। साक्षरता 100% यहाँ की जो लड़कियाँ, जो यहाँ की लड़कियाँ हैं, जो सामान्य घरों से थी, सुबह अपने घास की गठरी लाती थी और शाम को लकड़ी का गट्ठा भी लाती थी, लेकिन विद्यालय में पढ़ने के बाद इंटरमीडिएट किया, जिनकी थोड़ी क्षमताएं थी उन्होंने पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, बेरीनाग ऐसे उच्च शिक्षा दिलाई और ज्यादातर उसमें से शिक्षा विभाग में है। और करीब करीब यहाँ का जो युवा था, यो उसकी सबसे ज्यादा सेवा भारतीय सेना को है। तो यहाँ पे हमारे साथ के जो लड़के हैं वो अभी सूबेदार से रिटायरमेंट आ गए, कुछ सूबेदार मेजर हैं और अब जो उनके जो सूबेदार मेजर हैं उनके बच्चे अब आर्मी में कमीशन लेके वो अफसर बन रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हम ऐसी भूमि पे हमने जन्म लिया जहाँ पे की जो अघोरी बाबा था उनका हमें साक्षात दर्शन भी हुए, हमने दर्शन भी किए और उनका आशीर्वाद भी लिया, फोटो भी। चलिए, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि इस क्षेत्र की 100% साक्षरता इंटर कॉलेज की बदौलत है। ये शायद इस उत्तराखंड, सर इस उत्तराखंड के क्षेत्र में तो कहीं नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, किसी गांव के किसी क्षेत्र के किसी पट्टी में 100% साक्षरता। थोड़ा और मैं बताना चाहूंगा कि इस विद्यालय की वजह से जिनकी भी यहाँ रिश्तेदारियां थी, कम से कम जिस समय हम लोग पढ़ते थे, हमारे उससे पहले के लोग जो पढ़ते थे, हर परिवार से एक उनका, जैसे एक बच्चा या दो बच्चे अपने हैं तो एक बच्चा उनके रिश्तेदारों के भी उनके घरों में पढ़ते थे। तो वो उन लोगों की वजह से यहाँ पे जो शिक्षा का जो स्तर बहुत बेहतरीन बना और वो बहुत अच्छी अच्छी अभी जॉब में है, सरकारी जॉब में है, कोई प्राइवेट में है, कुछ मल्टीनेशनल कंपनियों में है। तो ये सारा मतलब यहाँ के उस समय के जो लोकल के जो शिक्षक रहे उनने बहुत योगदान दिया। यहाँ पे 67-68 में ये विद्यालय शुरू हुआ तो बाबा जी ने पिथौरागढ़ में एक प्रेम सिंह महर्जी हुआ करते थे SGS प्रिंसिपल, बाबा जी ने अपने प्रेम और प्रेम के कारण जो उनके पास अपनत्व था तो प्रेम सिंह जी महर्जी को, जैसर के थे वो, उनको यहाँ पे लाए और वो प्रथम यहाँ के प्रिंसिपल रहे और लंबे समय तक उन्होंने यहाँ पे अपनी सेवाएं दी। अपनी दो तीन लड़कियों की भी शादी बाद में, अपने जो यहाँ पे जो स्टूडेंट रहे ना, जब वो अलग अलग क्षेत्रों में चले गए थे, अपनी रिश्तेदारियां भी की। ये सारा बाबा जी का प्रताप है और उनके जो लड़के हैं वो बारंबार यहाँ की जो अपनी स्मृतियां हैं तो वो बार बार डालते हैं।
उसके बाद यहाँ पे जो दूसरे उसमें रहे नंदन सिंह बाफिला जी बेरीनाग के थे। अच्छा। तो बाबा जी ने कहा नंदन तुम इस विद्यालय को मत छोड़ना। उनको पता था कि नंदन सिंह बाफिला बहुत अच्छे प्रशासक है। उनके बाद प्रेम सिंह महर्जी के बाद यहाँ पे नंदन सिंह बाफिला जी रहे। बाद में फिर जब वो यहाँ से चले गए जयराज सिंह खाती जी ने करीब 12 साल इस विद्यालय को, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो पेड़ पौधे हैं ये वाले, ये सारे जयराज सिंह खाती जी के दौर के लगे हुए हैं। हयात सिंह खाती जी मल्लागर का, आपके नैन सिंह खाती जी, नैन सिंह खाती जी ने पूरा अपना जो जीवन है वो शुरुआत में जो नंदन जूनियर हाईस्कूल पोखरी में सेवाएं दी, उसके बाद उन्होंने यहीं पे अपनी सेवाएं दी। उनके बच्चे भी अभी शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं। तो जो लोकल के जो शिक्षक थे धनीलाल वर्मा जी और भी बहुत से, जो एक भंडारी जी थे नीचे, वो करीब यहाँ से 10 किलोमीटर दूर से यहाँ पर डे अप डाउन करते थे। तो इन लोगों ने बहुत ज्यादा योगदान दिया इसके उन्नयन विकास में। उन्हीं का उसी का परिणाम है कि यहाँ पे 100% साक्षरता है और हर घर में आप किसी भी क्षेत्र में जाइए तो हर घर में आपको इंटरमीडिएट बच्चियां नहीं मिलेंगी 70 से दशक से अभी तक। लेकिन यहाँ पे हर घर से आपको गरीब से गरीब परिवार से इंटरमीडिएट, और उसके बाद तो अब तो ये है कि हर जो बच्ची है बच्चा है वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो ये बाबा जी और इन जो कर्मवीर जो शिक्षक रहे बाबा जी की टीम उनका रहा। अभी थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, देखिए बीच में ये बाबा जी की दौर की ये जो बिल्डिंग बनी हुई है तो ये आग की भेंट चल गई, ये देखिए खत्म हो गई है। अच्छा। इसमें पहले प्रशासनिक भवन, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य और जो यहाँ का जो स्टाफ था उनका था। विज्ञान वर्ग में यहाँ पे अभी टीचर नहीं है। अच्छा, विज्ञान वर्ग में टीचर नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश हो रही है। अभी कुछ लोकल के जो नए जो युवा जो यहाँ पे शिक्षक बन के आए हैं, फिर वो कह रहे हैं कि हम पुराना जो गौरवशाली जो इस क्षेत्र का अतीत था उसको लौटा लाएंगे और उसके कुछ परिणाम यहाँ पे दिख भी रहे हैं। और हम हमारा ये भी मानना है कि इसके उन्नयन विकास के लिए जो स्थानीय जो पढ़े लिखे लोग हैं तो वो भी सहयोग करेंगे, समझ में। तो मैं आपकी इस बात से की पुष्टि होती है, बिजली की इस बात की पुष्टि होती है कि इन्होंने कहा इस इंटर कॉलेज के बिना इस क्षेत्र का अस्तित्व मानो शून्य, बिल्कुल शून्य है। जो आज ये क्षेत्र है, जो आज ये काफी डेवलप है और काफी पहुंचे हुए लोग हैं उस इंटर कॉलेज के। मैं नमन करता हूं उस कर्मयोगी बाबा जी को जिनका नाम श्री श्री 1008 अघोरी बाबा था। वो बंगाल से बंगाल के मूल के थे। उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर एक इस शिक्षा के इस महामंदिर को स्थापित किया, मैं नमन करता हूँ उस बाबा जी को, उन बाबा जी की टीमों को, और नमन करता हूँ साथ साथ इस गांव के इस क्षेत्र की जनता को जिन्होंने सहयोग, विशेष रूप में जो यहाँ के चौली ग्राम सभा के जो ग्रामवासी है, उन्होंने 48 नाली जमीन, जिस महापुरुष की जमीन है, हाँ, उन्होंने बाबा जी को इंटरमीडिएट बनाने के लिए दान दिया है। बाबा जी ने जनता के सहयोग से और इतनी बड़ी जमीन, 48 नाली जमीन बहुत कम इंटरमीडिएट विद्यालयों के पास है। नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। देखिए बिल्कुल कितना शानदार बना रखा है, और विद्यालय का परिसर देखिए, यहाँ आके अपने आप में एक अलौकिक अनुभूति मुझे महसूस हो रही है किसी मंदिर से ज्यादा। येषां विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, ते मृत्युलोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिन लोगों के पास विद्या, धन, दान, शील, गुण और धर्म नहीं होता, ऐसे लोग धरती के लिए भार हैं और वे लोग मनुष्य के रूप में जानवर की तरह विचरण करते हैं। कहते हैं कि माता पिता जन्म देते हैं, लेकिन शिक्षा और संस्कारों के बीज बोकर नया जीवन देता है शिक्षक, क्योंकि इसी पर एक पुरानी कहावत है, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात राजा की पूजा उसके देश में होती है, लेकिन विद्वान की पूजा और पूज सारे संसार में होती है। नमस्ते।
सर हमने भी यहीं से इंटरमीडिएट किया है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पढ़ाई का वो था, अभी भी ठीक ही चल रहा है, लेकिन पहले से अब यहाँ शिक्षा उतनी खास नहीं चल पाती है, क्योंकि पहले तो सारे लोग यहाँ के जो लोकल के टीचर हुआ करते थे ना, वो अपना काफ़ी अच्छा योगदान यहाँ दिया करते थे, पहले की अपेक्षा काफ़ी कम शिक्षा इधर। अच्छा, पहले की काफ़ी फर्क पड़ गया। हाँ जी, पहले तो बहुत बहुत फर्क पड़ गया अभी, क्योंकि बाहर से आए हुए टीचर बहुत ज्यादा उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, अप डाउन करते हैं, बाजार से अप डाउन करते हैं लोकल। पहले तो रोड वोड हुआ नहीं करती थी, तो यही गांव में ही वो अपना कमरा हमरा लेके यही रहते थे ना। अच्छा। तो अच्छी पढ़ाई करते थे सब लोग, बच्चे भी अच्छा वो करते थे, खेल के उसमें बहुत अच्छा था, जैसे वॉलीबॉल में काफी अच्छा योगदान इधर का रहा करता है जी। अभी अभी वॉलीबॉल का अभी अब यहाँ उतना खास नहीं है, क्योंकि मैं भी स्टेट लेवल तक वॉलीबॉल खेला हुआ हूँ, इधर से जिले में हम भी फर्स्ट निकला करते थे इसी स्कूल से, काफी अच्छा होता था वॉलीबॉल का, स्थानीय लोग बहुत अच्छा। बढ़ चढ़कर भाग लेते थे ना इसमें। तो मैं फिर भी तो आप इस गौरव का हिस्सा तो हैं, आप इस महान स्तंभ के जो मंदिर है शिक्षा का, इसके आप गौरव के गवाह भी हैं और इसका ही हिस्सा भी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस महापुरुष ने इस क्षेत्र के को एक नई रोशनी देने में अपना जीवन लगा दिया, जिस महापुरुष ने इस क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार के लिए, शिक्षा के उद्भव के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया, क्षेत्र के लोगों के सहयोग से, उस महापुरुष श्री श्री 1008 अघोरीनाथ जी को मैं नमन करता हूँ। मैं उनके चरणों में, उनकी समाधि पर मैं आया हूँ। आर्मी में जो लड़के गए तो उन्होंने स्पोर्ट्स कोटे से, वो सुबेदार मेजर और कुछ लोग ऑलरेडी कैप्टन रिटायर्ड आए हैं, तो ये बाबा जी का ही योगदान है कि बाबा जी ने यहाँ पे खेलों की प्रतिभाओं को भी आगे को पढ़ाने में, हाँ, खेलों की प्रतिभाओं को, शिक्षा के साथ साथ खेलों की प्रतिभाओं को। बाबा जी की जो कुटिया थी वो यहाँ पे है, देखिए आप थोड़ा सा वो लेंटर, जब बाबा जी थे तब लेंटर नहीं था, बाद में कुटिया यहाँ रहते डाला हुआ है, ठीक है ठीक है, वो इसी कुटिया में रहे। ये कुटिया तो भी बाद में बनी है, पहले यहाँ पे पाथर वाली कुटिया हुआ करती थी, और यहाँ क्या है भी अभी ऐसी ये बना हुआ है और ऐसी छूटा हुआ है, क्योंकि क्या यूज होगा, अभी कभी बाबा जी को कोई भक्त आते हैं रात को रुकते हैं तो यहाँ पे रुक जाते हो, बाबा जी के भक्त रुक, हाँ, एक यहाँ से आते हो हर 18 नवंबर, वो 17 नवंबर को आते हैं, 18 नवंबर को बाबा जी को खिचड़ी चढ़ाते हैं। उस वक्त अपने यहाँ पे गपशप किया करते थे, हमारी फीलिंग होती थी, हाँ, ऐसी वो छूटता था ना पीरियड, हाँ, तो पहले यहाँ पे कौन बैठेगा, उसे लिए होड़ लगी रहती थी कि पहले इसमें कौन बैठेगा, क्योंकि ये काफी आरामदायक मुद्रा है, जो लड़कों का सरदार हुआ करता था दादा, हाँ, वो बैठता था, आप बैठे प्रभावशाली हुआ करता था, जैसे अभी आप बैठे, ये देखिए, अगर जरूर उसको याद करेंगे जो मेरे दोस्त हैं ना, हाँ, उनको वो अगर मुझे देख रहे होंगे जरूर याद करेंगे, यार वाह तुमने हमारी पुरानी याद जो है वो ताजा करा दी। आप लोगों को नमस्कार है, आप इस चीज को अगर देख रहे होंगे तो अपनी पुरानी याद आज ताजा कर लीजिए, आपको फ्री फंड में ये फेलो ट्रेवलर द्वारा ये आपको पुरानी याद आपकी ताजा की करवाई जा रही है। और इस वीडियो को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, बिजी भी कह रहे हैं, इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारे जो ये आपका हम तो कहते हैं इसको, हमारा ये ज्योति पुंज है, प्रकाश पुंज है, ज्योति पुंज है, तामनोली इंटर कॉलेज ज्योति पुंज, हम लोगों ने जो भी सीखा यहीं पे, जो गुरुजन है उन लोगों ने सिखाया, और इस बाबा जी की ये पुण्य जो भूमि है तो उसने सिखाया, हमारे लिए तो ये तीर्थ है। तो आप उन लोगों का नाम ले लीजिए अपने कुछ खास दोस्तों का, हमारे जो साथ के दोस्त हैं जैसे बसंत लाल वर्मा, राजेंद्र लाल वर्मा, विक्रम सिंह खाती मल्लागर का, हयात सिंह खाती मल्लागर का, और हमारे चौली में खीम सिंह, ये आपका रविंद्र अभी तो सुबेदार मेजर है आर्मी में, और भगवान सिंह भुवन, और कुछ लोग हमारे साथ के अभी नहीं है, तो बहुत से लोग, दिनेश चंद जोशी जो अभी टीचर हैं, लोकेश जोशी, जो पौध है उनकी छाव में हमने यहाँ पे अध्ययन किया, और जो भी सीखा है वो सब जो हमारे शिक्षक और बाबा जी के ही प्रताप के कारण हुआ। अब थोड़ी देर मैं भी
उस जगह पर बैठ करके पुरानी यादों को ताजा करता हूँ। हालांकि मैंने इसका आनंद नहीं लिया, लेकिन मैं फिलहाल ले लिया है। मैं फिलहाल उस 80 के दशक में पहुंच गया हूँ। मैं यहाँ बैठ के उस 80-90 के दशक में पहुंच चुका हूँ और उस समय को याद कर रहा हूँ जब यहाँ पर स्कूल इंटरवल हुआ करता था, थोड़ा स्कूल छूटा करता था और उसके बाद लड़कों में यहाँ पर होर्सी लगी रहती थी। जो सबसे प्रभावशाली होता था, जो मॉनिटर टाइप का होता था, वो सबसे पहले यहाँ आके बैठता था और बाकी जो उसके चाण वाण होते थे वो यहाँ बैठते थे और इंटरवल तक वो अपनी गपशप पूरी करते थे। कुछ खाना पीना होता तो वो खाते थे। तो इस मीठी यादों को, इस भावुक करने वाली यादों को मैं आज यहाँ से लेके जा रहा हूँ और अपनी इस अभी की यात्रा, इस वीडियो के तीसरे भाग की यात्रा मैं समाप्त करने जा रहा हूँ लगभग। इसके बाद थोड़ी सी आखिरी प्रस्तावना है वो आपको दूंगा, लेकिन मेरी आंखें बहुत ज्यादा, मैं भावुक हो चुका हूँ और मुझे भी अपने कॉलेज या अपने स्कूल के दिन याद आ गए हैं। तो क्या वो समय था, क्या वो शानदार अतीत था हमारा। तो आज के मुकाबले बहुत प्रेम हो, बहुत स्नेह था, बहुत अच्छी शिक्षा हुआ करती थी। और हमारे बिस जी हैं, इन्होंने, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे दिव्य पुंज में लाके मुझे इन्होंने आज, मैं धन्य हो गया। और मेरी जो वीडियो है ये इससे कई गुना प्रकाशित हो गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज से करीब 70-72 वर्ष पहले इस गंगावली क्षेत्र में एक अनजान साधु का आगमन हुआ, जो दिखने में दुबला पतला सा, फटेहाल, फकीर सा नजर आता था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अनोखी आभा थी जो उसके किसी सिद्ध पुरुष होने का एहसास कराती थी। उन्होंने पास में भृगुतुंग पर्वत, जिसे भारभ्यो भी कहा जाता था, उसे अपनी तपस्या के लिए चुना। इस भृगुतुंग पर्वत का वर्णन स्कंद पुराण के मानस खंड में भी मिलता है। इस क्षेत्र में पहुंचने पर गांव वालों और क्षेत्रवासियों के संपर्क में बाबा जी को यह पता चला कि प्राकृतिक रूप से संपन्न होने के बावजूद क्षेत्र के लोग अपनों की चिट्ठी पत्री पढ़ने के लिए भी दूर दराज के गांवों में जाकर पढ़े लिखे लोगों की कृपा पर ही निर्भर है। तो इस गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्होंने 1959-60 के आसपास तामानौली में अपना स्थायी निवास बनाया। भृगुतुंग यानी भारभू पर्वत पर एकांतवास में रहने के बाद साल 1963 में उन्होंने गांव वालों के सहयोग से यहां पर जूनियर हाई स्कूल की स्थापना की। इस विद्यालय को इंटर कॉलेज की मान्यता इनके महाप्रयास से एक साल पहले साल 1979 में मिली, जिसका नाम उन्होंने अपनी आराध्य दे। बाबा जी के बारे में एक और बड़ी दिलचस्प जानकारी ये भी मिली कि ये भारत के स्वाधीनता संग्राम के समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के भी बेहद करीबी रहे। इनके बारे में एक दिलचस्प किस्सा यह भी है कि 1960 के दशक में एक बार यहाँ पर भारतीय सेना की इंटेलिजेंस इस खोज में भी आई कि कहीं ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो नहीं है, क्योंकि इनकी कद काठी और शारीरिक ढांचा काफी हद तक सुभाष चंद्र बोस जी से मिलता जुलता था। जी, जो हमारे अघोरी बाबा जी थे ना, वो दिमाग से इतने ज्यादा विकसित थे, तो उन्होंने देखा कि जब तक एक प्रधानाचार्य के लिए स्थायी आवास की व्यवस्था नहीं होगी तो मेरे विद्यालय में जो शिक्षण कार्य है वो सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा और न वो अपनत्व हो पाएगा। तो उस समय बाबा जी ने अपने जीते जी ये यहाँ पे एक प्रधानाचार्य जो हमारे प्रेम सिंह महर जी पिथौरागढ़ तेसर गाँव से हैं, उनके लिए यहाँ पे 2-4 कक्षों का कक्षा, मतलब यहाँ पे बंगला तैयार किया और उन्होंने यहाँ पे गाय भी पाली, क्योंकि 48 नाली जमीन है तो इसमें करीब करीब 30 नाली में तो पूरी घास का मैदान है और इसमें बांज के जंगल थे। तो उन्होंने अपने पूरे बच्चों के साथ यहाँ पे आए, उन्हीं के बच्चों ने, लड़कियों ने, बेटों ने यहाँ पे शिक्षा भी की। कुछ लोगों ने उनकी बुआ के साथ ये पोखरी में भी शिक्षा पी, जैसे हमारे कुलदीप भाई हैं तो उन्होंने पोखरी जो आदर्श विद्यालय था उनकी जो बुआ थी वल्दिया मैडम उनके साथ पढ़ा, और जो शेष बच्चे थे उन्होंने यहाँ से अपनी शिक्षा भी ग्रहण की। और प्रेम सिंह जी के दौर में यहाँ पे बहुत बड़ा केले का, माल्टा, संतरा, आंवला, उसका बगीचा हुआ करता था, जिससे कि बच्चों को मौसमी फल मिलते रहे। तो ये बड़ी एक बहुत बड़ी सोच थी। अगर आप टीचरों के लिए आधारभूत व्यवस्थाएं नहीं बनाएंगे तो टीचर क्या करेगा, शनिवार को हप्पड़ तप्पड़ में चले जाएगा, सोमवार को हप्पड़ तप्पड़ में आएगा, तो दो दिन तो बच्चों के वैसे ही बर्बाद हो गए। तो उसके बाद प्रेम सिंह जी के जाने के बाद यहाँ पे
प्रधानाचार्य आपके नंदन सिंह बापिला जी रहे इसमें, उसके बाद यहाँ पे डीडी पंत जी आए तो उन्होंने भी यहाँ पे गाय पाली। अच्छा। डीडी पंत जी बाद में वो संयुक्त शिक्षा निदेशक पद तक रहे, आपके नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे और उनके दौर में भी यहाँ पे बहुत पठन पाठन का बेहतरीन माहौल हुआ और उन्हीं के समय यहाँ पे प्रांतिकरण हुआ। तो वो उसके बाद यहाँ से कई जगह अल्मोड़ा में गए और उसके बाद अल्मोड़ा में DOIS रहे, बाद में फिर आपकी जो रामनगर जो परीक्षा है उसमें निदेशक रहे। तो इस तरह की उनकी यात्रा थी और उनके बच्चों ने हाई स्कूल तक की जो पढ़ाई थी वो यहीं पे माता पिता के साथ रहते हुए की। उसके बाद उनके जब ट्रांसफर हुआ तो वो अल्मोड़ा से उनकी शिक्षा दीक्षा उनकी रही। तो ये बहुत बड़ा एक मैसेज है कि टीचर को अगर क्षेत्रीय जनता उनको सहयोग करेगी तो उनके रहने के लिए उचित माहौल, उसमें उनकी शिक्षा दीक्षा स्वास्थ्य ये चीजें रहे। अभी जैसे दलीप भाई ने कहा कि अब टीचर यहाँ नहीं रहते क्योंकि यहाँ पे जो प्राथमिक और जो आपकी सेकेंडरी जो शिक्षा है उतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, टीचर नहीं है और स्वास्थ्य की उतनी सुविधा नहीं है। अगर जैसे कोई मैडम यहाँ पे रहती है, छोटे छोटे बच्चे हैं तो दूध तक उपलब्ध नहीं हो पाता, इतना ज्यादा पलायन हो गया है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। तो मेरा जो भी मतलब लोगों से संदेश है कि जो रोते हैं कि भाई हमारे वहाँ शिक्षक नहीं रहते या कर्मचारी नहीं, तो उनके लिए माहौल बनाइए ना। उसको वो थोड़ी है कि वो 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर कमरा लेके आपके वहाँ पे आ रहा है और फिर शाम को उसने उतना किराया देके वापस जाना है, उसकी मजबूरी है। तो इस मजबूरी को भी समझें और कोशिश करें कि जो आपका विद्यालय है आप उसमें जो प्रधानाचार्य हैं शिक्षक हैं उनसे संबंध बनाइए और उनसे कहिए कि आप जब तक हैं प्लीज आप इस विद्यालय को इसके जो विकास में अपना योगदान दीजिए, इसके शैक्षिक उन्नयन में आपका योगदान बहुत जरूरी है और जो भी हमसे सहयोग बन पड़ेगा हम लोग भी करेंगे। तो इस तरह की हमारी सोच होनी बहुत जरूरी है। आज के परिवेश में इस बात से भी कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता पर सवाल उठता रहता है। कहीं विद्यालय भवन का अभाव, कहीं आधारभूत सुविधाओं की कमी और कहीं विद्यार्थियों की संख्या के मुकाबले शिक्षकों की कम संख्या आदि के कारण सरकारी विद्यालयों के प्रति समाज का हर वर्ग चिंतित है। आज के दौर में निम्न वर्ग आय का व्यक्ति भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा दिलवाने की लालसा रखता है और नजदीक में सरकारी स्कूल होने के बावजूद दूर दराज के प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को प्रवेश दिलवाने के लिए दौड़ धूप करता है तो कहीं प्रभावी वर्ग से सिफारिश करता है। लेकिन सच यह है कि आज वर्तमान में शिक्षा प्रणाली का व्यवसायीकरण हुआ है, लेकिन मुनाफे के उद्देश्य से चलाए जाने वाले शिक्षा संस्थान कभी भी आदर्श गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं दे सकते। इसलिए हमें आज समाज में श्री श्री 1008 अघोरी नाथ जी जैसे महापुरुष की नितांत आवश्यकता है। तो आज की ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करूंगा, लेकिन उससे पहले एक प्रस्तावना देना चाहूंगा। मेरे चैनल का नाम है ए फेलो ट्रेवलर। आज तक मैं अकेले ही फेलो करता था, ट्रेवल करता था, लेकिन आज मुझे सही मायनों में असली फेलो मिले हैं, मेरे सहयात्री मिले हैं बिष्ट जी, जिन्होंने 100% मुझे इस यात्रा में मेरा सहयोग दिया, रहना खाना, मेरे को जानकारी दिलवाना, लोगों से मिलवाना, मेरी क्या कहते हैं देखो खुद ही बेचारे मुझे गाड़ी में लेके आ रहे। तो ये है असली मायने में मेरे फेलो ट्रैवलर। आज ये शब्द और सार्थक हो गया ये शब्द, ये फेलो ट्रैवलर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस यात्रा को हम यहीं समाप्त करते हैं और हम जा रहे हैं वापस कंगुलीहाट की तरफ।